वेलकम बैक गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं क्लास 11th क्वार्टरली एग्ज़ाम त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022-23 इंग्लिश पेपर, जिसका माध्यम आपका हिंदी रहेगा और इंग्लिश पेपर आपका है। सेक्शन वन में आपका रीडिंग स्किल दिया है, जिसमें आपको पढ़ना है और उसके आंसर को सोल्यूशन करना है। तो मैं आपको उनके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को फटाफट कवर करवा देता हूँ। तो यहाँ पर पहले वाले ऑब्जेक्टिव, इन द नेचर वंस लोवेस्टली साउंड, तो इसका आ जाएगा द साउंड ऑफ द बर्ड्स। दूसरे वाले का ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। तीसरे वाले का आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही रहेगा। फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं, तो फोर्थ वाले में कहा गया है द बर्ड्स डू नॉट लर्न लैंग्वेज, तो इसका इट इब्रॉन इंस्टेक्ट विथ थीम्स। अब आगे की तरफ देखते हैं, पांच वाले का ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा। छठे वाले का आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। सात वाले का ऑप्शन नंबर बी वाला। आठवें का आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा। फिर नवे वाला, तो वाई डज मदर मेक साउंड, तो इसका बोथ ए एंड बी दोनों सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी वाला सही रहेगा। विच द फॉलोइंग इन ट्रू अबाउट द बर्ड्स, तो इसका हो जाएगा डी वाला बोथ एंड, ये आपका सही रहेगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली मेक द नोट्स ऑफ गिव ए सबटाइटल, तो आपको नोट्स और सबटाइटल आपका देना है। और यहाँ पर राइट बी वाले सेक्शन में, यू आर द फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अदर सिटी, यू वेंट टू सोल क्रिएप्शन हाउस ग्लोबल अबाउट एडवर्टाइजमेंट टू द पब्लिश्ड एंड लोकल न्यूज़पेपर में आपको ट्रांसफ़र देना है, जिसमें आपको हाउस होल्ड गोड्स जो देना है। आप डिसाइड द पोस्टर पीपल अबाउट द रेगुलर एक्सचेंज यू मैनी स्ट्रॉन्ग्स, ये। फिर चौथे वाले में दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन यूर प्रिंसिपल परमिशन गो टू द टूर, टूर पे जाने के लिए आपको एप्लीकेशन देनी है। और साक्षी आर द एंड पता दिया है यहाँ पर, यू आर लेटर, लेटर लिखना है किस विषय में, फ्रेंड इन्वाइटिंग सेंड टू समर वेकेशन वाला लेटर इसमें दिया है। चार नंबर में आपका आई होप आपने कर दिया होगा, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से पोस्टर रिपोर्ट एडवर्टाइजमेंट सब पड़ी हुई है, जो कि प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। राइट एंड द आर्टिकल ऑफ द फॉलोइंग 120 वर्ड्स, 120 शब्द में आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में लिखना था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में और ह्यूमन इफेक्ट के बारे में, ह्यूमन लाइफ के, और यहाँ पर आपको फंक्शन स्कूल सेरेमनी के बारे में लिखना था। अब यहाँ पर सेक्शन सी में जो ग्रामर दी हुई है, ग्रामर में यानी फाइव आपको करने हैं। मोनिका इज़ BSc स्टूडेंट, तो इसमें आ जाएगा ए, मोनिका एक BSc की छात्रा है। ही हैज़न्ट गो, तो इसमें सम और एनी, तो इसमें एनी का प्रयोग हम करेंगे। डू यू नाउ, तो वाट डू यू नाउ इसका आंसर रहेगा। मोहन वाज द फाइनल्ड फॉर मिस्ड, तो ये आपका फॉर आ जाएगा इसमें। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, पांचवा वाला, द वेदर वाज कोल्ड बट देर वाज नो विंड, हवा नहीं चल रही। इंग्लिश स्पोकन इन मेनी कंट्रीज, बोली जाती है इंग्लिश कई देशों में, ये आपका छठा वाला होने के बाद। अब डूएस डायरेक्ट की बात करते हैं, तो डूएस डायरेक्ट के आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। ही टीच इंग्लिश, चेंज इनटू आपको नेगेटिव बनाना था इसका, तो यहाँ पर ही टीच यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, तो ही एक वचन है, तो डज नॉट टीच इंग्लिश ACIS हट जाएगा। फिर इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ये आंसर यहाँ पर लिख दिया हमने। ही इज़ द स्लीपिंग फॉर द आवर्स, तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। अब यहाँ पर चौथा वाला देखते हैं, ही इज़ अ वेरी पुअर, ही कांट पे फीस, यानी कि सो डेट का प्रयोग करना, वेरी की जगह पे सो लगाना, जैसे हमने लिख दिया ही सो पुअर डेट, दोनों सेंटेंस को डेट कंजक्शन से जोड़ देना, और कैन नॉट ऐसा का ऐसे ही हमने सेंटेंस लिख देना है। फिर पांचवा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज इनटू वाइस बनाना है, तो फुटबॉल पहले चला जाएगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, दे का हो जाएगा देम। अब यहाँ पर छठे वाले की बात करते हैं, तो छठे वाले में आपका दिया है राजा क्राइड फॉर मिल्क, मिल्क के लिए रो रहा था, तो इसका राजा क्राइस, क्योंकि चेंज इनटू प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाना था, तो क्राइड मतलब ये आपका पास्ट इंडिफिनिट में था, तो राजा क्राइस फॉर मिल्क। अब यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया है डी वाले सेक्शन में, रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर, तो यहाँ पर पहले वाले फर्स्ट वाले का बी वाला, सेकंड वाले का सी वाला, थर्ड वाले की बात करते हैं तो थर्ड वाले का सी वाला, फोर्थ वाले का बी वाला, और फिफ्थ वाले का बी वाला। फिर यहाँ नाइन की बात करते हैं, तो नाइन में भी आपको पढ़ना है, तो यहाँ नाइन वाले क्वेश्चन में पहले का ए, दूसरे का ए, तीसरे का डी, ए एंड बी बोथ, दोनों के दोनों ही। अब यहाँ पर इसकी बात कर दे, रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन द आंसर, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, यहाँ पर भी आपको आंसर दें, तो फटाफट मैं कवर करवा देता हूँ। हु वाज द सेलिंग, पहला वाला, फिर इसका सी वाला ऑप्शन, इसका भी सी वाला ऑप्शन,
फिर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड 13 वर्ड्स, यहाँ पर ये आपके 6 क्वेश्चन दिए, इनमें से 5 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द, ये भी 3 क्वेश्चन करने हैं 4 में से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 2, 4 में से 2 करने हैं आपको, जो कि आपके कितने 4 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं। एक्सप्लेन अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन 75 वर्ड्स एनी 2, 3 में से 2 को आपको करना है। डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ के जो और वॉइस ऑफ द रेन का भाई सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है दोनों में से। एड्रेस स्टोरी, यहाँ पर आपके इस प्रश्न पत्र में मैंने संपूर्ण पेपर का एनालिसिस किया और आपको बताया क्या क्या किस प्रकार से आया, और आपके आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार के नए वीडियोज़ आपको मिलते रहे। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपसे। टाटा, बाय बाय।